नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिको लिमिटेड के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। और ये है हमारा कंसोलिडेटेड P&L स्टेटमेंट। और जैसे कि यहाँ पे मार्च क्वार्टर एंडेड का ये उसका कॉलम है, दिसंबर क्वार्टर का कॉलम है, और ये है हमारा मार्च 2021 का कॉलम। तो यहाँ पे हम क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है इनकम पे, रेवेन्यू पे, और ईयर ऑन ईयर हल्की सी हमको यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमको यहाँ पे करीब करीब 18% का यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड 9-8, तो यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर तो हमको यहाँ पे काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर भी हमको कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे 4% की बढ़त हमको देखने को मिल रही है, वो भी कुछ खास हमको यहाँ पे देख नहीं रही है। और अगर EPS की बात करें तो EPS भी यहाँ पे हल्का सा बढ़ गया है, 0.42%। EPS में भी हमको कोई यहाँ पे, तो टोटल मिला के यहाँ पे मैरिको के रिजल्ट तो हमको यहाँ पे कोई खास उतने पसंद नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट तो हमने यहाँ पे देख लिया और रिजल्ट से यहाँ पे कुछ खास हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रॉफिट में तो खाली 4% की ग्रोथ दिख रही है, और यहाँ पे रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इनके मार्जिन्स बहुत गिरे हैं। तो देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है यहाँ पे मैरिको के स्टॉक पे। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।